लेकिन आज हम फिर से उसको रिवाइज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ओपन योर हिंदी जर्नल पेन इरेड विद योर पेंसिल एंड इरेजर। ओपन द फ्रेश पेज राइट इन दिस केयर बॉक्स टुडेस डेट हियर टास्क। तो चलिए लिखते हैं रिवीजन करते हैं। इस बॉक्स में हम डेट लिखेंगे। तो डेट लिख रहे हैं हम लोग, यहां पे लिखेंगे हम टास्क। आज का टास्क है रिवीजन। रिवीजन ऑफ दो, दो मीन्स टू, तीन, तीन मीन्स थ्री, और जो है वो और इंग्लिश में भी और है एंड, चार, चार मीन्स फोर। अक्षर, अक्षर होते हैं आपके लेटर वाले शब्द। तो आज हम एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे। ओके, तो पहला आएगा हमारा र प्लस थ इक्वल टू र। रथ होता है चेक। दूसरा है हमारा ब ट ख। ब त ख, तो हमारा शब्द बन जाएगा बतख। बतख होती है डक। तीसरा है हमारा ट म ट म, तो हमारा शब्द बन जाएगा टम 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 टम। तो शब्द बन जाएगा हमारा टम टम। टम टम होती है घोड़ा गाड़ी, ऐसी गाड़ी कार जो घोड़े से चलती है, घोड़ा मींस हॉर्स। लास्ट है अ द र क, और हमारा शब्द बन जाएगा अदरक। अद, ये अद बना हुआ है, उसके बाद ये दो जोड़ जाएंगे तो बन जाएगा रक। अदरक होता है हमारा जिज। तो यहाँ पर दो अक्षर है, फिर तीन हुए और अब यहाँ पर चार अक्षर। तो ये था आज का रिवीजन, दो तीन चार अक्षर वाले शब्द। टास्क वन के बाद टास्क टू पे चलते हैं। टास्क टू में है एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। स्टोरी मींस कहानी। ओके, तो कहानी क्या है हम आपको बताएंगे। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास होता है एक पिजन। पिजन होता है किंग पिजन। तो तीन मेन कैरेक्टर है इसमें, एक है किंग पिजन, एक है आपका हंटर और एक है आपका रैट। ठीक है, तो किंग पिजन बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, एक दिन फिर वो क्या करते हैं, अपने सारे किंग पिजन और अपने फ्रेंड के साथ जंगल में जाते हैं दाना चुगने। दाना मीन्स ग्रेन्स। ठीक है, चुगना मीन्स खाना। ठीक है, तो वो दाना खाने के लिए एक जंगल में जाते हैं।
जैसे वहां देखते हैं कि बहुत सारे दाने पड़े हुए हैं, दाने को वो देखकर वहां पर बैठकर उसको खाने लगते हैं। यहाँ वो दाने खा रहे हैं, ठीक है। जब वो दाना खा रहे होते हैं तो वहां पर एक हंटर आ जाता है, हंटर शिकारी, हंटर। तो शिकारी जो होता है, हिंदी में शिकारी, तो जो शिकारी होता है वो देखता है और वो उसके ऊपर जाल डाल देता है। जाल मीन्स नेट, तो वो उसके ऊपर नेट जाल डाल देता है ताकि वो उसको ट्रैप करके अपने पकड़ ले, ट्रैप कर ले और उसको पकड़ ले अच्छे से। तो जब वो उसको पकड़ लेता है तो सारे कबूतर पिजन जो होते हैं वो डर जाते हैं, वो कहते हैं अब हम क्या करेंगे। तो लेकिन जो किंग पिजन होता है वो इंटेलिजेंट होता है, वो कहता है नो प्रॉब्लम, हम एक काम करते हैं, हम ये नेट को अपने साथ लेकर उड़ चलते हैं, ठीक है। तो वो साथ लेकर, यहाँ पर नेट है तो वो सारे नेट को अपने फुट के साथ जोड़कर लेके उड़ चलते हैं। जैसे ही वो सब लोग उड़ के चलते हैं तो जो शिकारी होता है, हंटर होता है, वो हैरान रह जाता है, ये क्या हुआ, उसका प्लान तो फ्लॉप हो गया। तो फिर जो राजा पिजन होता है, किंग पिजन होता है, वो किंग पिजन जाता है माउस के पास। रैट जो होता है वो उसका बहुत बेस्ट फ्रेंड होता है, वो रैट को कहता है प्लीज मेरा नेट काट दो। तो नेट जो रैट होता है वो अपने तीखे तीखे दांतों से नेट को काट देता है और सारे पिजन फ्री हो जाते हैं और सारे पिजन अपने रैट फ्रेंड का थैंक यू करते हैं, फ्रेंड मीन्स दोस्त। तो वो रैट को थैंक यू कहते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मिलकर काम करना चाहिए। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो कहानी का नाम है एकता में बल है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एकता, एकता, एकता में बल है। धन्यवाद।